नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको दिखाते हैं बातचीत। राजस्थान में कांग्रेस में सियासी संकट के बाद में जिस तरीके से अब बीजेपी में संकट क्यों बढ़ गया है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और वरिष्ठ नेता बीजेपी के। सर, क्या लगता है क्यों बाड़ेबंदी कर रहे हैं अब बीजेपी, या फिर पिकनिक स्पॉट ही एक तरीके का तरीका है ये? देखो, इसको बाड़ेबंदी नहीं कह सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो कुछ जैसलमेर में घटनाक्रम हो रहा है वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब ये सरकार अपना पूर्णतः बहुमत खो चुकी है और इसलिए वो किसी पर भी हमला कर सकती है। हमने उनसे हमले से अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए अपने कुछ विधायकों को निश्चित रूप से हमने एकत्रित एक जगह पर ले लिया, जिसके कारण से बाहर का कोई भी व्यक्ति चाहे तो भी उन पर किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का प्रभाव न ला सके। तो मैं सोचता हूँ कि जो राजस्थान में घट रहा है उसकी दृष्टि से समझदारी इसी में है कि समय के पहले अपने सब लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित कर लिया जाए। वो हमने किया है, इसको कोई बाड़ाबंदी कहे या कुछ कहे, किस नाम से पुकारे उसकी मर्जी। बाड़ाबंदी उसको कहते हैं जो एक महीने से बिना कुछ सोचे समझे जा करके रह रहे हैं, उसको बाड़ाबंदी कहते हैं। हमने बाड़ाबंदी नहीं की, हमने उन लोगों को जरूर एक स्थान पर ले लिया जिन पर हमला होने की गुंजाइश बनती है या लोग जिन पर ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपके विधायक भी तो विधानसभा सत्र तक वहीं रहेंगे, ऐसा सूचना है? मैं सोचता हूँ ऐसे कोई आवश्यकता नहीं। 11 तारीख का कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि सबको एक स्थान पर लाना होगा तो भी लाएंगे, और वहां से सीधे आ सकते हैं तो भी आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो एक मुखी होकर के एक साथ एक्शन करें, उसके लिए जो रणनीति तैयार करनी पड़ेगी वो जरूर करेंगे। आप लोग लगातार विधायकों को अलग अलग टुकड़ों में भेज रहे हैं बाहर, अब तक कितने विधायकों को भेजे जाने के लिए चिन्हित किया गया आपको? मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ट्राइबल क्षेत्र है सारा का सारा। सबसे ज्यादा लोगों का जो बना रहता है कि ये हमला हो सकता है, तो इतने हमला करने के पहले ही हमने उनको अपने साथ इकट्ठा ले लिया है, और इसलिए मेरे क्षेत्र के जितने भी ट्राइबल MLA हमारे जीते हुए हैं सब एक साथ है। कुछ विधायकों ने आने से भी इनकार कर दिया है और बता रहे हैं कि अलग से निगरानी के लिए उनको भेजा जा रहा है। मेरी जानकारी में ऐसे नहीं है, मुझे जो काम दिया वो 100% परफेक्टली हो गया, किसी ने कोई ना आना कानी नहीं की। यहाँ तक कि कुछ लोगों का आ रहा है साहब हमको भी जाना है क्या, तो मैंने कहा आपको जब जाने की जरूरत महसूस होंगे तब बताएंगे। वसुंधरा राजे भी अभी केंद्रीय नेताओं से मिल रही है, उन्होंने नाराजगी जताई है कई समर्थकों ने उनके लिए नाराजगी जताई है, क्या लगता है किस तरह की नाराजगी है ये, और क्या सियासी संकट के बीच में इस तरह की नाराजगी ठीक? देखो, हमारे यहाँ नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं है, वो हमारी नेता रही है, दो बार मुख्यमंत्री रही है, आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष है। इन परिस्थितियों में राजस्थान के बारे में जाकर के अपने नेतृत्व से बात करना, इसको क्या समझ गए लोग? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें वो भी बुला सकते हैं और हम भी जा सकते हैं। जैसा मैं सोचता हूँ कि इस परिस्थिति में हमें अगला कदम क्या उठाना है, कैसे उठाना है, उसके बारे में अगर केंद्र की और उनकी कोई राय बनती है तो उसमें मिलना क्या गुनाह है। गुटबाजी के लिए आपके लिए क्या प्रयास होंगे, क्या प्रयास करेगी पार्टी और आप? बीजेपी में गुटबाजी न रह सकती है, न जिसने रहने का प्रयत्न किया वो फल भुगत चुका है। कोई गुटबाजी इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से खड़ी हुई पार्टी है। किसी एक व्यक्ति के कारण से इस पार्टी का निर्माण नहीं हुआ, हम दो थे तब भी यही थे और 303 है तब भी यहाँ है। क्या लगता है कि आपको बहुमत परीक्षण होना चाहिए सरकार का? मैंने तो पहले ही दिन, जिस दिन ये बाड़ेबंदी में 13 तारीख को बंद हुए, 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बात को अगर किसी ने ठीक समझा हो, मैंने कहा इस समस्या का समाधान, क्योंकि जनता के मन में आ गया कि विश्वास खो चुकी है, तो एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के जाओ कि हम हाउस के फ्लोर पर अपना समर्थन लेना चाहते हैं प्रस्ताव। तो मैं सोचता हूँ राज्यपाल को भी इतना समय निकालने की जरूरत नहीं, आप स्वयं कोर्ट कचहरियों में जाकर के आपने स्पीकर का दुरुपयोग करने का प्रयास किया और उसके कारण से एक महीना बर्बाद हुआ और लौट करके वहीं आना पड़ा जहां मैंने कहा था।
अब वो 14 तारीख थी, आज ये अगली 14 आ रही है और अभी भी यही है। एक लाइन के प्रस्ताव से आए तो मैं सोचता हूँ हंगामे की तो हम हंगामे से भी बच सकेंगे और एक निर्णायक स्थिति राजस्थान। कुल मिलाकर आशीष यही कहा जा सकता है, आशीष मुझे डाउट लगता है आप, क्योंकि जैसलमेर की जिस प्रकार की घटनाक्रम आ रहा है, क्योंकि सामने वाला खेमा वो भी चलिए बिल्कुल निश्चित रूप से आशीष यही कहा जा सकता है कि देखिए बीजेपी जो अभी तक हमलावर थी अब वही काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए चाहे गुलाबचंद कटारिया हो चाहे सतीश पूनिया हो जो बातें कही जा रही, देखना यह होगा कि आखिर इन कोशिशों का असर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम बातचीत के लिए। इधर ऊर्जा